नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं आपके साथ प्रिय मरा देखे। कल यानी 11 दिसंबर 2022 को जो कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, वो पटना पहुंचेंगे। आपको बता दें, जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो वो तब से दिल्ली में हैं, पर वो कल पटना पहुंचेंगे। और पटना पहुंचने के क्रम में देखिए किस तरीके से आप तमाम जो चौक चौराहों पर देख सकते हैं, यानी कहें तो पूरे राजधानी में बैनर पोस्टर लगा दिया गया है उनके स्वागत को लेकर। हम आपको तस्वीर के माध्यम से दिखा रहे हैं कि तमाम चौक चौराहे पर और पूरा पटना के रोड पे पोस्टर लगा दिया गया। आपको बताते चले कि जो डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह हैं वो पूर्व केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और अभी वर्तमान में वो राज्यसभा सांसद हैं, और वो कल पटना पहुंच रहे हैं। और उनका जो कार्यक्रम है वो एयरपोर्ट पहुँचेंगे। एयरपोर्ट पहुँचने के बाद नेहरू पार्क जाएंगे, जहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो प्रतिमा है वहाँ पर माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद वो पटना के ज्ञान भवन में पहुंचेंगे, जहां पे तय कार्यक्रम है वो तमाम कार्यक्रम होगा। और उसके बाद उस कार्यक्रम में जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो तमाम वो लोग उपस्थित रहेंगे। पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा और जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं अजीत शर्मा, वो रहेंगे। और उनके साथ कई जो लोग हैं वो लोग कल जो पटना के ज्ञान भवन है वहाँ पर उपस्थित होंगे। और उसके बाद जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम चलेगा। आपको बता दें कि जब प्रदेश अध्यक्ष यानी कहें तो जो डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह हैं वो कल पटना पहुंच रहे हैं, और इनके साथ कई जो बड़े लोग हैं, जो कांग्रेस के बड़े लोग हैं वो पहुंचेंगे। और आपको बता दें कि जब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनका चयन हुआ मल्लिका अर्जुन खड़गड़े का, उसके बाद किसी राज्य में यह पहला राज्य है बिहार जहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव किया गया है। यानी मल्लिका अर्जुन खड़गड़े जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसके बाद पहली बार जो प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव हुआ है वो बिहार है। और बिहार में जिनका प्रदेश अध्यक्ष का चयन हुआ है वो कल पटना पहुंचेंगे। और पटना पहुंचने का जो तमाम कार्यक्रम है, देख सकते हैं किस तरीके से रोड पे बैनर पोस्टर लगा दिया गया। और आपको बता दें कल जो कार्यक्रम होने जा रहा है ज्ञान भवन में, उसमें जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं वो रहेंगे, पूर्व अध्यक्ष रहेंगे और कई कांग्रेस के बड़े लोग रहेंगे। आपको बता दें उसके बाद जिस तरीके से कांग्रेस का कार्यक्रम है ज्ञान भवन में, उसके बाद जो अखिलेश प्रसाद सिंह हैं वो बिहार कांग्रेस कार्यालय पहुंचेंगे, यानी बिहार के जो प्रदेश पर कांग्रेस कार्यालय वहां जाएंगे और वहां पे अपना पदभार ग्रहण करेंगे। ग्रहण करने के बाद जो अखिलेश प्रसाद सिंह हैं वो कांग्रेस में कहें तो जो बिहार के पदभार ग्रहण करने के बाद तमाम जो कार्य है कांग्रेस का वो उनके कमान में चला जाएगा। और जो पूर्व अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा, वो भी उस समय रहेंगे क्योंकि जो पदभार है वो मदन मोहन झा अखिलेश प्रसाद सिंह को देंगे। और तमाम देखिए किस तरीके से पटना के पोस्टर, पटना के सड़कों पे बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं। तमाम वो चीज़ है जो कल स्वागत के लिए तैयारी की जा रहे हैं, बड़े बड़े द्वार बनाए जा रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगवाए जा रहे हैं, क्योंकि जो कांग्रेस के जो नए प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह वो कल पटना पहुंच रहे हैं, बिहार पहुंच रहे हैं। और कई पोस्टर में लिखा हुआ है कि नए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको पाटलिपुत्रा के धरती पे स्वागत है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सीरीज से। लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।